ओके सो हे गाइस, वर्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप सिंपली वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस नई इंटरेस्टिंग वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया, तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को इस फोटो को लेकर चले जाना ड्रो टूल में। एंड ड्रो टूल में जाने के बाद गाइस, जाना आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पर ले लेना है। एंड गाइस, जो मॉडल का बैकग्राउंड है वो मैंने पहले से इरेज कर रखा है, ठीक है। तो आप जिसको नहीं आता उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। बाकी चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, इस फोटो को अपने मॉडल को जो मैं यहाँ पे कर लूँगा ट्रांसफॉर्म, एंड इसको मैं रोटेट कर दूँगा इस साइड को। एंड गाइस, कुछ इस टाइप से रोटेट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे कुछ इस टाइप से लगा दूँगा, ठीक है। ये मॉडल को मैंने यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसलिए लगाया है, और गाइस क्योंकि जो हमारी जो लाइनिंग है वो वहाँ पे अभी हम लाएंगे, तो उसके लिए उस लाइनिंग को हम पूरा करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे एक इम्पिटी लेयर बना लेंगे, एंड इस लेयर को जो अपने मॉडल के नीचे रख देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम इस पे ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हार्ड ब्रश को सिलेक्ट कर देंगे। एंड ऐसे गाइस जाएंगे हम शेप वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम ये ब्रश में जाना गाइस, ठीक है। शेप वाले ऑप्शन में जाएंगे इस वाले में। एंड गाइस, यहाँ से आप सभी को जो फर्स्ट वाला है ये फॉन्ट, इसी को आप सभी को ले लेना है। एंड इसका जो अमाउंट है वो 7 तक रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को फिर चेक करना है गाइस कि 7 में हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो गाइस 7 में कुछ ज़्यादा चौड़ा लग रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से अंडो करेंगे। एंड उसके बाद गाइस फिर क्या करेंगे, हम शेप वाले ऑप्शन में जाएंगे, एंड इसका जो अमाउंट है हम अराउंड रखेंगे 4 तक, ठीक है। इसको हम 4 तक करके देख लेंगे, एंड ऐसा हम सेट कर देंगे। एंड उसके बाद गाइस हम इसको कुछ इस टाइप से, तो गाइस 4 में परफेक्ट है, तो आप सभी को 4 में रखना है। एंड उसके बाद गाइस हम इस पेंसिल के पास यहाँ पे रख देंगे, ठीक है गाइस। तो आप सभी को जो गाइस पोज करना है वो आप पेंसिल के साथ लेके भी कर सकते हो, नहीं तो मैं आप सभी को एक पेंसिल का पीएनजी दे दूंगा, तो आप उसको यूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप सभी को फिर एक एम्प्टी लेयर बना लेनी है, एंड इस लेयर को ले जाना अपने मॉडल के नीचे। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, फोटो को जूम कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको ब्रश पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपको स्मूथ ब्रश को लेना है, एंड इसकी जो ओपेसिटी है थोड़ी सी बढ़ा देनी है। एंड उसके बाद गाइस आप सबको यहाँ पे सिंपली शेडो को क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो शेडो को जो है गाइस आपको अच्छे तरीके से करना है बिल्कुल, ताकि यार मतलब कि रियलिस्टिक से लुक आए, है ना, एंड जो मतलब लगना चाहिए कि हाँ आपने यहाँ पे बैठ के ही फोटो क्लिक किया है, ठीक है। तो उसके बाद आप सबको शेडो जो है हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, तो हम इसका थोड़ा सा अमाउंट हमें कम कर देंगे। एंड उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, इस फोटो को यहाँ से सिंपली डन कर देंगे, एंड यहाँ से चलेंगे हम यहाँ पे। एंड गाइस उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको जाना है यहाँ से दोबारा से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ से जो आपको अपने दूसरे मॉडल को ले लेना है, ठीक है। तो आप सभी को गाइस जो पोज वगैरह है जो गाइस बहुत अच्छे से करना है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने आप सबको एग्जांपल के तौर पर समझाया। तो गाइस मैंने 2 मॉडल ले लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग। तो आप सभी को एकदम अच्छे से पोज करना है, एंड उसके बाद फिर आप सभी को फोटो को एडिट करना है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आप सबको दोबारा से जाना ऐड फोटो में, एंड यहाँ से आप सबको एक शेडो का पीएनजी मिल जाएगा, तो आप सबको शेडो का पीएनजी को सिंपली कुछ इस टाइप से जूम कर लेना है, ठीक है। एंड जो शेडो को पीएनजी आप सबको सिंपली अपने मॉडल के नीचे ले जाना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप सबको उसको डाउन कर देना है, एंड डाउन कर देने के बाद आप सभी को इसको कुछ इस टाइप से रख लेना है। एंड उसके बाद गाइस इसको आप सभी को यहाँ पे कर देना है डन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी शेडो भी लग चुकी है, मॉडल भी लग चुका है। तो आप सभी को करना क्या है, आप सभी को यहाँ से दोबारा से एक बार ऐड फोटो में जाना है, एंड एक पीएनजी को ले लेना है ये विग्नेट का, एंड इसको गाइस आप सबको फुल स्क्रीन कर देना है, ये ऑटोमेटिकली कुछ इस टाइप से ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड ऐसे कर देना है, एंड उसके बाद आप सबको यहाँ पे डन कर देना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारी फोटो जो काफ़ी ऑसम लग रही है। तो अब आप सबको जाना टूल्स में, फिर एडजस्ट में जाने के बाद आप सबको कॉन्ट्रास्ट को लेना है, इसको थोड़ा सा आप सबको ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, एंड जो सैचुरेशन आप सबको उसको थोड़ा सा माइनस की तरफ रख लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप सबको डन कर देना है, एंड उसके बाद आप सबको इस फोटो को सेव करके लाइट रूम में ओपन कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सबको इस लाइट वाले ऑप्शन में जाना है, एंड उसके बाद आप सबको कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, एंड उसके बाद हाईलाइट को जो है थोड़ा कम कर देना है, शेडो को बढ़ा देना है। एंड जो गाइस व्हाइट है आप सभी को इसको थोड़ा कम कर देना है, एंड जो ब्लैक है इसको भी थोड़ा कम कर देना है। फिर उसके बाद जाना कलर्स वाले ऑप्शन में, वाइब्रेशन है जो उसको बढ़ा देना है, एंड जो गाइस टेम्परेचर इसको हल्का सा माइनस कर लेना। एंड उसके बाद आप सभी को जाना है मिक्स में, एंड उसके बाद ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, सैचुरेशन को थोड़ा माइनस कर देना है, एंड ल्यूमिनस को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को येलो कलर को लेना है, इसका ह्यू थोड़ा माइनस कर देना है, ठीक है, एंड सैचुरेशन प्लस कर देना है, ठीक है। तो सॉरी गाइस यहाँ पे डन नहीं करना है आप सभी को, अब इसके बाद आप सभी को जाना है डार्क ब्लू में, एंड इसका सैचुरेशन माइनस करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को बाकी यहाँ पे और कोई कलर छेड़ने की जरूरत है नहीं हमें, तो बाकी हम यहाँ पे हल्का हल्का छेड़ के देखते हैं, अगर कुछ फर्क पड़ता है तो ठीक है, वरना हम चलते हैं यहाँ से नीचे वाले टूल में, ठीक है। उसके बाद हम जो है फोटो की क्लियरिटी को यहाँ पे बढ़ा देंगे, एंड जो फोटो में विग्नेट है वो डालेंगे, ठीक है। विग्नेट की वजह से हमारी फोटो में जो लुक आएगी वो विग्नेट से आएगी। एंड उसके बाद आप सबको ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है, एंड उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस आप सभी को उसको बढ़ा देना है, एंड जो गाइस नॉइज रिडक्शन है आप सभी को उसको बढ़ा देना है, एंड जो गाइस कलर नॉइज रिडक्शन आप सभी को उसको बढ़ा देना है, ठीक है गाइस। तो फाइनली गाइस जो हमारी फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक करना है, यार चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार आप सभी को मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को मिलती रहे। एंड गाइस आपकी डिमांड की सारी वीडियो यहाँ पे आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।